स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसके जो फॉर्मूलाज थे और कुछ सिंपल क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, अब उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस और जो कुछ टफ हो सकते हैं हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो टेन इनवर्स के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें इसीलिए जो साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स ये टर्म है इसे टी से रिप्लेस करना होगा और फिर चेन रूल अप्लाई करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम टी इज इक्वल्स टू साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स। इसीलिए हम टेन इनवर्स साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स को टेन इनवर्स टी भी लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स, टी के टर्म में लिख लेते हैं फंक्शन, टेन इनवर्स टी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि टेन इनवर्स टी टी का एक फंक्शन है, इसीलिए हमें इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो नेक्स्ट लाइन में डी बाय डी टी टेन इनवर्स टी इन टू टी को जो हमने अज्यूम किया था टी इज इक्वल्स टू साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स, मतलब टी एक्स का एक फंक्शन है, इसीलिए टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अगली लाइन में टेन इनवर्स टी का टी के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो एक्स के टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला की तरह होगा। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो टेन इनवर्स टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू वन बाय वन प्लस टी स्क्वेयर इन टू डी बाय डी एक्स। अब यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी की वैल्यू है हमारे पास में साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब यहाँ हम देख रहे हैं साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स जो कि एक्स का एक फंक्शन है, हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है साइन एक्स का वो डायरेक्ट साइन एक्स का है, लेकिन यहाँ पर ई टू द पावर ऑफ एक्स है हमारे पास में एंगल में, तो इसे हमें पहले रिप्लेस करना होगा कोई और वेरिएबल से, देन इसे सॉल्व करना होगा। तो आइए सबसे पहले इसे अज्यूम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर वन अज्यूम कर लेते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम e टू द पावर ऑफ u इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ x। हमने यहाँ पर u को e टू द पावर ऑफ x अज्यूम किया है, अब ये u की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। यहाँ पर हम u की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं। सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर वन, तो डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय वन प्लस टी स्क्वेयर इन टू डी बाय डी एक्स साइन यू। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो साइन यू है वो यू का एक फंक्शन है, इसीलिए हमें इसे यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अगली लाइन में लिखते हैं वन बाय वन प्लस टी स्क्वेयर इन टू डी बाय डी यू साइन यू इन टू, हमने यू की वैल्यू जो अज्यूम की थी यू इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ एक्स, दैट मीन्स यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसीलिए हमें यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब अगली लाइन में यहाँ पर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल्स टू वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर इन टू साइन यू का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा कॉज यू इन टू
यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू है ए टू द पावर ऑफ एक्स। अगली लाइन में ई टू द पावर ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है, वो होगा ई टू द पावर ऑफ एक्स इटसेल्फ। अब यहाँ पर यू और टी की वैल्यूज पुट करते हैं, सो वन बाय वन प्लस साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ऑफ कॉस यू की जो वैल्यू होगी यहाँ पर कॉस यू की वैल्यू है ई टू द पावर ऑफ एक्स, और जो ई टू द पावर ऑफ एक्स था उसे शुरू में लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास में डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर, जो गिवन फंक्शन था टेन इनवर्स साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स के लिए।